कोर्ट ने राज्य सरकार को डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर एक हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर निशा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि नियमानुसार एक महीने में इस्तीफा मंजूर कर लिया जाना चाहिए, लेकिन शासन ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि निशा की ओर से पैरवी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा के जूनियर वकील ब्रायन डिसिल्वा ने की थी। वहीं इस मामले पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला और जानबूझकर के लेट लतीफी करने के आरोप लगाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट चाहती क्या है, और क्या स्टेट इलेक्शन के टाइम पे पक्षपात कर सकती है? क्या स्टेट इस वक्त पॉलिटिक्स खेल सकती है? क्या ये सब क्या चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है? मुझे तो लग रहा है ये सब चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है। और आज जो अपील फाइल की गई, ये किसके इंस्ट्रक्शंस पे फाइल की गई? अब तो पॉलिटिकल सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ही करवा रहे होंगे।